जीटीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि ऋषभ बड़ी ही बेरहमी से मारने वाले हैं दीपक को, क्योंकि दीपक ने प्रीता को मोलेस करने की कोशिश जो की थी। दरअसल शो के आने वाले सीक्वेंस में व्यूवर्स देखने वाले हैं ऋषभ और दीपक के बीच में जमकर लड़ाई होने वाली है, लेकिन क्या है इस लड़ाई का असली रीजन, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सृष्टि ऋषभ को ये जाकर बताती है कि कितनी गंदी तरह से दीपक ने प्रीता को मोलेस करने की कोशिश की थी। अब ये सुनते ही ऋषभ के होश उड़ जाते हैं और वो दीपक के पास पहुंच जाता है उससे खबर लेने। अब जब ऋषभ दीपक से प्रीता को मोलेस करने की बात पूछ ही रहा होता है कि दीपक कोशिश करता है कि ऋषभ को किसी तरह से इंस्टिगेट कर ले और साथ ही वो प्रीता के बारे में बुरा भला भी कहता है। अब ये सब सुनने के बाद ऋषभ को काफी गुस्सा आने लगता है और गुस्से में आकर ऋषभ अपना आपा खो बैठते हैं और दीपक को एक करारा थप्पड़ मार देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दीपक की एक गंदी हरकत देखने के बाद ऋषभ दीपक को ऑफिस से भी निकालने वाले हैं। तो आने वाले सीक्वेंस में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरह से ऋषभ प्रीता की इसी तरह से मदद करते रहेंगे और क्या आखिरकार वो प्रीता को अपने प्यार का इजहार करेंगे। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।